Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dambadpur. Aaj hum theory of machine ME204 ka unit number 7 vibrations ka first part start kar rahe hain. Aaj hum padhenge causes of vibration in machine, their effects and methods of reducing them. Yani ki kisi machine mein vibration ke kya karan hain, usse kya prabhav padte hain और उसे कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वाइब्रेशन को हिंदी में बोलते हैं कंपन। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वाइब्रेशन एक वह कारक है जो किसी मैकेनिकल सिस्टम के कार्य प्रणाली में अवरोध उत्पन्न करता है। मशीनों के सुचारू रूप से चलने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि ये सारी मशीनें विदाउट वाइब्रेशन होनी चाहिए। मशीनों का त्रुटिपूर्ण निर्माण, इसके अवयवों का घिसाव यानी कि वियर एंड टियर, इस पर लगने वाले असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस और अपर्याप्त लुब्रिकेशन, ये सब कारण है जिससे कि वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। इन सब की वजह से मशीन और इसके जो पार्ट्स हैं उनकी एज भी कम होती है और इन वाइब्रेशन से उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो एनवायरमेंट को दूषित और श्रमिकों की कार्यकुशलता पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे उपाय करें जिससे कि इन वाइब्रेशन को कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ वाइब्रेशन, कि क्या क्या कारण होते हैं वाइब्रेशन के, इनको हम विस्तार में पढ़ते हैं। सबसे पहला कारण है अनबैलेंस्ड फोर्सेस यानी कि असंतुलित बल। वाइब्रेशन उत्पन्न होने का मुख्य कारण है अनबैलेंस्ड फोर्स। किसी मैकेनिकल सिस्टम में या मशीन में विभिन्न संक्रियाओं में घूमने वाले अवयवों में सेंट्रीफ्यूगल या फिर अपकेंद्रीय बल काम करता है, रेसिप्रोकेटिंग फोर्स काम करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसकी गति में सिरों पर उत्पन्न एंड थ्रस्ट, ठीक है, या फिर मशीनों में अवयवों के मिसअलाइनमेंट से उत्पन्न बल, ये सभी कारण है असंतुलित बल के, ठीक है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस, रेसिप्रोकेटिंग फोर्सेस एंड थ्रस्ट एंड मिसअलाइनमेंट, ये कुछ कारण है जिस वजह से अनबैलेंस फोर्स उत्पन्न होता है। मशीन के जो पार्ट्स हैं उनकी जैसे ही ये गतिशील होते हैं तब ये सारे अनबैलेंस फोर्स प्रभावशाली हो जाते हैं जो इसे अस्थिर करने का प्रयास करते हैं और मशीनों में वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। इन उत्पन्न वाइब्रेशन की तीव्रता, मशीन की टाइप, इसके विभिन्न अवयवों के असंतुलित भार, इन सब पर डिपेंड करती है। ज्यादा वाइब्रेशन तीव्रता से न केवल मशीनों के खराब होने वरन इसके आसपास क्षेत्र में दुर्घटना होने पर जान माल हानि की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसका फर्स्ट एक वाइब्रेशन का कारण हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड है बॉर्न आउट एलिमेंट्स यानी कि अवयवों का घिसाव। तो मशीनों को जब निरंतर यूज किया जाता है तो इसके अवयवों में, इसके पार्ट्स में घिसाव होने लगता है जिसके कारण ये अपना वास्तविक आकार खो देते हैं। जिसके कारण ये अपना वास्तविक आकार खो देते हैं और स्वतः ही मशीन में असंतुलन यानी अनबैलेंस स्टार्ट हो जाता है। इस अनबैलेंसिंग के कारण क्या होता है, मशीन में कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लंबे समय तक मशीनों का यूज करते हैं तो इसकी मेंटेनेंस अगर ढंग से नहीं की जाती है तो मशीनों में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड कॉज ऑफ वाइब्रेशन है इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, जिसे कहते हैं अपर्याप्त स्नेहन। प्रभावी लुब्रिकेशन द्वारा मशीनों की गतिशीलता बढ़ाई जा सकती है, इससे इसके पार्ट्स में घिसाव भी कम होता है और मशीनों का यूज निरंतर लंबे समय तक बिना किसी अवरोध के किया जा सकता है।
अतः मुख्यतः स्वतः ही मशीनों के अवयव में होने वाला असंतुलन नियंत्रित हो जाता है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन होता है तो ये सभी कारक इसके अपोजिट हो जाते हैं और मशीनों में असंतुलित कंपन स्थापित हो जाता है। इसलिए प्रॉपर लुब्रिकेशन भी जरूरी है इन अ मैकेनिकल सिस्टम, उसके अभाव में कंपन स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाह्य कारकों से। कार्यस्थल पर मुख्यतः कई कार्य एक साथ एक ही स्थान पर विभिन्न मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। अनेक मशीनों की गतिशीलता से वातावरण में एयर पोल्यूशन होने और जो भूमि है उसमें कंपन होना, ये सारे घटनाक्रम होते हैं। मशीन में अन्य मशीनों से अन्य वर्णित कारकों से स्वतः ही कंपन होते हैं, यानी कि एक मशीन के चलने से दूसरी मशीन में अपने आप ही वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम प्री वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इन प्री वाइब्रेशन की तीव्रता एक्सटर्नल फैक्टर्स के वाइब्रेशन की तीव्रता के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस की संभावना हो सकती है, जो कि किसी भी मशीन के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो रेजोनेंस भी एक कारण है जिससे कि मशीन में वाइब्रेशन डेवलप हो जाते हैं। फिफ्थ है एनवायरमेंट इफेक्ट, यानी कि वातावरण का प्रभाव। वातावरण में बदलते मौसम से, विभिन्न प्रदूषण से, अर्थक्वेक से, ठीक है, इससे भी मशीनों की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। ये पूर्ण इन कारकों की वजह से ये अपनी पूर्ण कुशलता से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी कारक है मशीनों के अवयवों को असंतुलित कर इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़े कॉजेज ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से क्या इफेक्ट्स आते हैं? तो मशीनों के जो पार्ट्स है उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होने से इन पर तीन इफेक्ट आ सकते हैं। फर्स्ट है एक्सेसिव स्ट्रेस, जिसे बोलते हैं अत्यधिक प्रतिबल उत्पन्न होना। ठीक है, तो अत्यधिक प्रतिबल यानी एक्सेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होने से इसके विभिन्न पार्ट्स में इसकी डिजाइन पर इफेक्ट आता है। ठीक है, मशीनों के जो पार्ट्स हैं उनकी डिजाइन इनकी सामर्थ्यता के आधार पर डिसाइड की जाती है। ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस अवयव की सामर्थ्यता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये क्या करते हैं, जो मशीन के पार्ट्स हैं उनमें क्रैक्स उत्पन्न कर देते हैं, जिससे इनकी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादा वाइब्रेशन से मशीन के पार्ट्स टूट सकते हैं, जिसे क्रैक डाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है अनडिजायरेबल नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि अवांछित ध्वनि प्रदूषण। तो मशीनों के वाइब्रेशन से अवांछित ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसी अवस्था में कार्यस्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों की कार्यकुशलता के लिए हानिकारक होता है। अवांछित ध्वनि से श्रमिकों की कार्यकुशलता प्रभावित होती है और वातावरण पर भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। थर्ड है लूजनेस ऑफ मशीन पार्ट्स, यानी कि मशीनी अवयवों में शिथिलता। तो वाइब्रेशन के कारण मशीन के विभिन्न पार्ट्स में इनकी दक्षता में कमी हो जाती है। ये पार्ट्स अपनी क्षमता के आधार पर संपूर्ण दक्षता पूर्वक काम नहीं कर पाएंगे और मशीन में सदैव किसी भी प्रकार की टूट फूट की आशंका बनी रहेगी। तो इस प्रकार वाइब्रेशन मशीन के पार्ट्स को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वाइब्रेशंस, यानी कि कंपनों को कम करने की विधियां। तो कंपनों के उत्पन्न होने के कारक और उनके प्रभाव का हमने स्टडी कर लिया। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि मशीनों में किसी भी प्रकार का कंपन मशीन के लिए हानिकारक होता है। इसलिए ऐसे में निश्चित रूप से हमें इसके कुछ युक्तियां प्रयोजन करने चाहिए, जिससे कि मशीन के वाइब्रेशन की तीव्रता को कम किया जा सके और ये उपयोग करने में आसान हो और सस्ती हो। ठीक है, इसी उद्देश्य के लिए हम इसकी कुछ रिड्यूसिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यानी कि सभी प्रकार के असंतुलित बलों का विलोपन।
असंतुलित बल किसी भी मशीन के लिए हानिकारक है, यही मुख्य कारक है जिससे मशीन में वाइब्रेशन होते हैं। तो इनके विलोपन के लिए सबसे पहले ये किस कारण से हो रहे हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। असंतुलित बल मशीन के रोटेशन या फिर रेसिप्रोकेटिंग अवयवों में गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष पदार्थ की असमानता यानी कि अनबैलेंस ग्रेविटेशन फोर्स, त्रुटिपूर्ण निर्माण या फिर त्रुटिपूर्ण अलाइनमेंट से उत्पन्न होते हैं। पार्ट्स का घिसाव भी एक संभव कारक है, लेकिन ये सभी कारक मशीन के अधिकल्पन और निर्माण में हर बिंदु पर परीक्षण करके दूर किए जा सकते हैं। गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष पदार्थ का एक समान वितरण करें, समय समय पर इनके विभिन्न अवयवों का गतिशील अक्ष के सापेक्ष अलाइनमेंट करें, सामिक दृष्टि परीक्षण यानी कि टाइम के बाद एक टाइम फिक्स कर दें कि इस टाइम के बाद हमें इस मशीन के इस पार्ट्स को फिर से हमें चेक करना है। तो सामिक दृष्टि परीक्षण एवं अनुरक्षण से मशीन में होने वाले वाइब्रेशन को कम किया जा सकता है। सेकंड है यूजिंग प्रॉपर लुब्रिकेशन यानी कि उपयुक्त स्नेहन से। तो मशीन के विभिन्न पार्ट्स में पर्याप्त लुब्रिकेशन से इनके मध्य होने वाले घिसाव को कम किया जा सकता है। पार्ट्स में वियर एंड टियर कम होने से इसमें होने वाले असंतुलन है ठीक है वो कंट्रोल हो जाता है, जिससे वाइब्रेशन को भी कम किया जा सकता है। इसलिए सामयिक यानी कि विद टाइम प्रॉपर लुब्रिकेशन करने से मशीनों के वाइब्रेशन को कम किया जा सकता है। थर्ड है यूजिंग प्रॉपर वाइब्रेशन आइसोलेशन डिवाइस यानी उपयुक्त कंपन अलगाव युक्ति से ठीक है। तो मशीनों को सदैव इसके कार्यस्थल पर एक नींव में स्थापित किया जाता है ठीक है। तो जब मशीनों में असंतुलन आता है तो ये जिसकी नींव है उसमें भी असंतुलन आता है और मशीन का वाइब्रेशन नींव में ट्रांसफर हो जाता है ठीक है। तो ऐसी अवस्था में हम मशीन का यूज नहीं कर पाते ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब मशीनों को नींव में स्थापित किया जाता है तो नींव में होने वाले वाइब्रेशन को रोकने के लिए नींव में किसी प्रकार की असंतुलित बल का ट्रांसमिशन ना हो उसके लिए वाइब्रेशन आइसोलेटर्स, डैम्पर, डैशबोर्ड ठीक है ये मशीन से ठीक है इनको नींव के मध्य लगा दिया जाता है ठीक है। तो ये सभी युक्तियां हैं, ये मशीन में होने वाले किसी प्रकार के कंपन को नींव में ट्रांसमिट नहीं होने देती, जिससे मशीन सुरक्षित रूप से स्थापित रहती है ठीक है। तो इस प्रकार की युक्ति से हम मशीन के वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। फोर्थ है बाय वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यानी कंपन अवशोषक से। तो मशीन में होने वाले वाइब्रेशन को आवश्यक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर युक्ति से कंपनों के आयाम ठीक है यानी कि एम्पलीट्यूड, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ठीक है एवं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ठीक है। तो अगर हम एक प्रॉपर वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का यूज करें तो हम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करके कम कर सकते हैं। वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग युक्तियां मैकेनिकल सिद्धांतों पर काम करती हैं। इनका यूज मशीन के उन बिंदुओं पर किया जाता है जहां कंपनों के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये एब्जॉर्बर ऐसे स्थानों पर वाइब्रेशंस का एब्जॉर्ब करके इनकी तीव्रता को कम कर देती है, जिससे मशीन में वाइब्रेशन कम हो जाते हैं ठीक है। काफी टाइप के वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं, जिसमें मुख्य टाइप के हैं फ्राम वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स, सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर्स, बायफिलर एब्जॉर्बर्स, लैंचेस्टर डैम्पर एंड अनट्यून्ड विस्कस डैम्पर। ये कुछ टाइप के वाइब्रेशन एब्जॉर्बर हैं जो हम इसमें यूज करते हैं ओके। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ वाइब्रेशन, देयर इफेक्ट्स एंड मेथड्स ऑफ
रिड्यूसिंग वाइब्रेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।